गाइस एक टाइम फ्री फायर सिर्फ गेम ही नहीं ऑनलाइन फ्रेंड के साथ खेलने का एक इमोशन था, लेकिन वो आजकल कहाँ मिलता। तो गाइस क्या आप लोग भी जानना चाहते हो कि भाई ये आज से 4-5 साल पहले फ्री फायर कैसा था, या फिर आप भी उन्हीं प्लेयर में से हो जो आज से करीब 4-5 साल पहले फ्री फायर डाउनलोड किया था। गाइस मानता हूँ कि भाई आज का वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। पुराने दिन में कैसा फ्री फायर था वो भी आप लोगों को समझ में आएगा, या फिर देखने को मिलेगा गेम प्ले वगैरह। सबसे पहले तो गाइस अगर आप लोग अभी प्ले स्टोर में जाते हो ना, तो आप लोगों को फ्री फायर मैक्स का ये लोगो देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सबसे पहला वाला लोगो कौन सा है? आज से करीब 5 साल पहले 2017 के अगस्त मंथ में जब फ्री फायर का बेटा टेस्टिंग चल रहा था, तब उसका जो लोगो निकल के आया था ना, फ्री फायर का लोगो कुछ ऐसा था। और गाइस ये है फ्री फायर का फास्ट लोगो। और गाइस आप लोगों को इससे थोड़ा नॉलेज तो मिला ना भाई, क्या बताओ फ्री फायर का जो फास्ट लोगो होता है ना, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप लोग अभी इजिली दे सकते हो या फिर दिखा भी सकते हो, मेरा वीडियो शेयर कर देना, समझ रहे ना। उसके बाद जो होता है ना, यहाँ पर बेटा टेस्टिंग चल रहा था लेकिन ये प्ले स्टोर में नहीं आया था। जब गाइस फ्री फायर प्ले स्टोर में आया था ना, तब लोगो कुछ अलग टाइप का था। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ना, यही है फ्री फायर का फास्ट प्ले स्टोर का लोगो। गाइस बैकग्राउंड में जो आप लोग ये गेम प्ले देख रहे हो ना, ये देखिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये कितना पुराना दिन का गेम प्ले है, यानी 2017 का है ये गेम प्ले। और गाइस अभी जो आप लोगों को हर 2 महीने बाद गेम के अंदर एक अपडेट देखने को मिलता है, यानी आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले OB38 का अपडेट गया है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है OB1 यानी 01 जब सबसे पहले जो अपडेट आया था ना, वो किस टाइम में आया था, क्या आप लोगों को पता है? जो गेम के अंदर फास्ट अपडेट आया था ना, यानी जिस दिन पूरा दिन गेम बंद था, फास्ट अपडेट वो आया था 2017 के दिसंबर मंथ में, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अपडेट के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया फ्री फायर के अंदर बहुत कुछ चेंजेस होता है, और साथ ही साथ फ्री फायर का जो लोगो होता है ना, वो भी चेंजेस होता है। जब फास्ट अपडेट आया था ना, उसके बाद फ्री फायर का लोगो कुछ ऐसा हो गया था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेम प्ले भी। तो गाइस मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बोला कि भैया वीडियो को लाइक करने के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक कर दो भाई। ऐसा एक वीडियो बनाने के लिए भाई बहुत टाइम लगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगा, समझ रहे हो ना। और गाइस जब फ्री फायर फर्स्ट टाइम आया था ना, तब फ्री फायर के अंदर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर था, एक था एडम और एक था एडम का गर्ल, नहीं एक था फीमेल कैरेक्टर का नाम क्या है याद नहीं। उसके बाद क्या आप लोगों को पता है जो बाकी कैरेक्टर वगैरह कौन कौन सा कैरेक्टर आया था? फर्स्ट अपडेट आया था 2017 के दिसंबर में, और गाइस उसके 2 महीने बाद यानी 18 के फरवरी मंथ में सेकंड अपडेट आया था। और उसके बाद गेम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर वगैरह आया था, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केली और बहुत सारे कैरेक्टर वगैरह आया था, और जो कैरेक्टर का स्किल वगैरह होता है ना, वो भी शो कराया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस तब मैं फ्री फायर डाउनलोड नहीं किया था, इसलिए मेरे को इतना सब कुछ 100% कन्फर्म नहीं पता, बहुत जगह से ढूंढने के बाद ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अगर कोई गलती वगैरह होता है ना, अगर आप लोगों को कुछ पता है ना, तो मैनेज कर लेना, समझ रहे हो। गाइस सारा का सारा कैरेक्टर गेम के अंदर आने के करीब 1 महीने बाद यानी 2018 के मार्च मंथ में न्यू सीज ऐड हुआ था गेम के अंदर, एक न्यू सीज ऐड हुआ था। जी हां गाइस, जो रैंक सीजन होता है ना, वो ऐड हुआ था 2018 के मार्च मंथ में, फर्स्ट रैंक सीजन आया था। और अभी जो गोल्ड प्लेटिनम हीरोइक वगैरह होता है ना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसा था, लेकिन मास्टर ग्रैंड मास्टर नहीं था। उसके बाद गेम के अंदर और भी बहुत सारे अपडेट वगैरह आता गया, और गेम का जो लोगो होता है ना, वो बदलता गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये शायद विंटर का लोगो होगा। उसके बाद गेम इतना ज्यादा पॉपुलर होता गया ना भाई, क्या बताऊं, इतना ज्यादा डाउनलोड वगैरह हो रहा था ना, और जो ई स्पोर्ट होता है ना, वो भी स्टार्ट होने लगा। लेकिन गाइस बीच में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देता हूँ कि भाई आप लोगों को शायद पता होगा कि भाई फ्री फायर बैन होने के बाद से कोई भी ई स्पोर्ट वगैरह नहीं होता, यानी आप लोगों को पता होगा कि पहले लाइव स्ट्रीम होता था और आप लोगों को रिवॉर्ड वगैरह मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही गुड न्यूज निकल गया है कि भैया मतलब जो ई स्पोर्ट वगैरह होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान वगैरह देने वाला है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि भैया फ्री फायर या फिर जो BGMI वगैरह होता है ना, वो रिटर्न में आ सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबल चांस है। अभी बात कर लेते हो मुद्दे की, उसके कुछ दिन बाद और अपडेट वगैरह आता गया, और फ्री फायर का जो लोगो वगैरह होता है ना, वो चेंज होता गया। और ये लोगो देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भैया ये सेकंड एनिवर्सरी का भी हो सकता है, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है, समझ रहे हो ना, लेकिन ऐसा लोगो वगैरह भी था। उसके बाद गाइस 2018 के मई मंथ में आया था इलाइट पास, यानी जो फर्स्ट इलाइट पास होता है ना, उसका एंट्री हुआ था मई मंथ में 2018 के। और यही फर्स्ट इलाइट पास था जो कि शाकुरा नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कुछ दिन पहले रिटर्न आ गया था, और भाई क्या बताओ इसको मतलब जो था ना, रेयरिटी कम कर दी। जो भी हो गाइस, उसके बाद शायद कुछ अपडेट वगैरह आया होगा और एक न्यू लोगो निकल के आया था। गाइस ये जो लोगो देख रहे हो ना, ये एक अपडेट का लोगो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भैया ये किस अपडेट का लोगो है, लेकिन ये कोई अपडेट का ही लोगो है, फ्री फायर का ही लोगो है। उसके बाद गाइस मुझे नहीं पता कि भैया 8 महीने के अंदर कैसे OB7 का अपडेट आ गया, और अभी जो आप लोगों को गेम के अंदर बांटी या फिर जो बॉनफायर वगैरह या फिर पता नहीं आप लोगों को यहाँ पर स्कैनर वगैरह जो देखने को मिलता होगा ना, ये अभी जो देखने को मिलता है ना, ये OB7 में आया था, यानी OB7 के अंदर ये ऐड हुआ था गेम के अंदर। 2018 के जून मंथ में गेम के अंदर ऐड हुआ था बॉनफायर, स्कैनर या फिर जो होता है ना, आप लोगों को पता है ना, बांटी टोकन वगैरह, वो गेम के अंदर ऐड हुआ था। और तब का जो ग्राफिक वगैरह होता है ना, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब 2018 का जून का जो ग्राफिक वगैरह होता है ना गेम का, वो यहाँ पर आप लोग। तो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि भाई अभी जो आप लोग गेम के अंदर ग्लूएल यूज करते हो ना, वो गेम के अंदर कब आया था? हाँ गाइस 2018 के सितंबर मंथ में आया था, और तब ग्लूएल जो होता है ना, कुछ छोटा टाइप का था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या ही छोटा ग्लूएल था भाई, बहुत ही मुश्किल वगैरह था ये ग्लूएल वगैरह यूज करके मारने में। और भाई क्या बताओ, अभी तो ग्लूएल का साइज भी बड़ा हो गया, और भाई कितना OP स्किन वगैरह आता है, कितना बड़ा बड़ा स्किन वगैरह आता है, आप लोग तो देख ही रहे हो ना। उसके 1 महीने बाद 2018 के अक्टूबर मंथ में और एक न्यू सीज आया था गेम के अंदर, यानी
जो इमोट होता है ना, फ्लैग इमोट, पायरेट फ्लैग वाला इमोट जो होता है ना, वो अभी भी बहुत रेयर है भाई। वो आया था 2018 के अक्टूबर में, और न्यू इलाइट पास भी आया था, और भी बहुत सारा कुछ न्यू आने लगा था, और जो फ्री फायर का लोगो भी होता है ना वो भी चेंज होने लगा था, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये भी किस अपडेट का लोगो है। लेकिन ये शायद हेलोवीन इवेंट जब स्टार्ट हुआ था तब का लोगो होगा, जो भी हो। उसके बाद फाइनली एंड फाइनली 2019 के जनवरी मंथ में फास्ट पेट आया था। यहाँ पर जो आप लोग की किटी पेट देख रहे हो ना, जो कि आप लोगों को फ्री में मिलता है ना, वो फर्स्ट टाइम आया था, यानी शायद ये गोल्ड रॉयल में आया था फर्स्ट टाइम, और तब से मैं गेम खेल रहा हूँ। तो गाइस मुझे पता है कि भैया बहुत लोगों ने वीडियो छोड़ के चला गया, लेकिन आप लोग में से जो लोग की वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, आप लोग बताना कि भैया आप लोग प्योरली बताना, मतलब सच बताना कि भैया आप लोग कब से गेम खेलना स्टार्ट किया। भाई मैं 2018 के लास्ट यानी 2019 के फर्स्ट से गेम खेलना स्टार्ट किया था, और अभी तक खेल ही रहा हूँ, लेकिन अभी पहले जैसा मजा नहीं रहा, लेकिन मैं कभी कभी गेम खेलता हूँ, इतना भी ज्यादा नहीं खेलता हूँ। सो गाइस और भी बहुत सारा अपडेट वगैरह आया, और गेम का जो लोगो वगैरह होता है ना वो बदलता गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और एक लोगो और कैसे लोगो तब आया था जब, मतलब जो था ना गेम के अंदर, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो भाई, क्या बेलून जैसे कुछ उड़ता है ना, आपको पता है ना, ये जब आया था ना तब भी ये लोगो आया था शायद, और ये शायद समर के सीजन में आया था। उसके बाद गेम थोड़ा धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा था, यानी गेम के अंदर न्यू रैंक सीजन आ रहा था, और जो बंडल्स वगैरह या फिर गन स्किन वगैरह फ्री में मिल रहा था, और बहुत कुछ फ्री में मिल रहा था। लेकिन गाइस क्या आप लोगों को पता है, गेम के अंदर जो फर्स्ट कटाना आया था, कटाना का स्किन वगैरह आया था ना, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2019 के जनवरी मार्च में आया था, यानी तब से ही पेड आइटम आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब तो थोड़ा कम था, अभी तो भाई पे टू विन भाई, आप लोगों को पता है ना। फिर भी क्या कर सकते हो, मैं भी स्पिन वगैरह करके आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता हूँ। आप लोगों को पता है ना हम यूट्यूबर है भाई, हम स्पिन वगैरह करके आप लोगों को दिखेंगे, रिव्यू वगैरह करके दिखेंगे कि भैया कितना डायमंड वगैरह जाता है या फिर कितना डायमंड वगैरह लगता है भाई। लेकिन आप लोग बुरा मत मानना, मैं नहीं तो हमारा वीडियो कोई नहीं दिखेगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद गाइस 2019 के अप्रैल मंथ से भाई क्या बताओ, ई-स्पोर्ट जो होता है ना वो भी बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा, समझ रहे हो ना। आप लोगों को पता होगा ईबोस या फिर और भी बहुत सारा टीम वगैरह है, तब से ये बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड कप आया था 2018 के अप्रैल मंथ में, समझ रहे हो ना भाई। बहुत ही रिवॉर्ड वगैरह आप लोगों को फ्री में मिल रहा था, ग्लोएल वगैरह और भी बहुत सारा फ्री में मिल रहा था, आप लोगों को याद है ना। जो भी हो गाइस थोड़ा टाइम बीतता गया, और गेम के अंदर न्यू इवेंट वगैरह आता गया, और न्यू अपडेट वगैरह आता गया, और गेम का जो लोगो वगैरह होता है ना वो भी चेंज होता गया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोगो ऐसा भी आया था। जो भी हो गाइस अभी जो आप लोग सीएस यानी क्लैश स्क्वाड 4v4 खेलते हो ना, वो कब आया था गेम के अंदर, क्या आप लोगों को पता है भाई, क्या बताओ 2019 के अगस्त मंथ में आया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई सीएस मोड जो होता है ना फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन अभी 40-50% प्लेयर ही सीएस के खेलता है या फिर कस्टम वगैरह ही खेलता है, बारमूडा जो होता है ना उसमें ज्यादा लोग खेलता ही नहीं है भाई, क्या बताओ। और गाइस यही था फ्री फायर का एक टर्निंग पॉइंट, यानी जब सीएस मोड आया था ना गेम के अंदर 4v4, भाई इतना लोगों ने डाउनलोड कर रहा था ना भाई, इतना पॉपुलर हुआ था ना भाई, हर लोगों ने स्टार्ट कर दिया था गेम खेलना। और उसके कुछ दिन बाद ही गेम के अंदर सेकंड एनिवर्सरी आया था भाई, उस टाइम बहुत ज्यादा रिवॉर्ड वगैरह फ्री में मिल रहा था भाई, मैजिक क्यूब और बंडल्स वगैरह फ्री में मिल रहा था भाई, तब जो होता है ना था बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा गेम खेल रहा था, यानी बहुत ही पॉपुलर हो गया था सेकंड एनिवर्सरी तक। उसके बाद गाइस गेम के अंदर एंट्री हुआ गन किंग का, यानी M87 आया था, कब आया था पता है कि आप लोगों को 2019 के अक्टूबर मंथ में आया था। और गाइस तब 70-80% लोगों ने M87 को लेकर गेम प्ले कर रहा था, और इसका पावर इतना ज्यादा था भाई क्या बताओ, और अभी तो थोड़ा कम कर दिया, लेकिन भाई क्या बताओ। उसके बाद एंट्री हुआ किसका, क्या आप लोगों को पता है। हां गाइस 2019 के दिसंबर मंथ में फ्री फायर ने कोलैब कर लिया डीजे आलोक के साथ, और उसका एक न्यू कैरेक्टर आया था भाई, गेम के अंदर तहलका मचा दिया था भाई जब डीजे आलोक आया था ना भाई, पागल था लोग, पागल था भाई, इतना लोगों ने भाई क्या बताओ, इतना पागल था ना लोग। लेकिन अभी के टाइम में लोग इतना भी ज्यादा आलोक यूज वगैरह नहीं करता, बहुत सारे कैरेक्टर वगैरह आए हैं, क्रोनो वगैरह या फिर जो स्काइलर वगैरह आया है ना, तो अभी इतना भी ज्यादा यूज नहीं करता। लेकिन भाई 2019 एक ऐसा टाइम था भाई, मतलब हर लोगों ने मतलब आलोक के लिए पागल था। उसके बाद गाइस गेम के अंदर फिर से वर्ल्ड सीरीज का टूर्नामेंट आ गया था, यानी दिसंबर मंथ के 2019 के दिसंबर। ओ भाई साहब यहाँ पर आलोक कब आया था, सितंबर में आलोक आया था, और दिसंबर में जो होता है ना वर्ल्ड सीरीज आया था भाई, मैं गलती कर दिया था, सॉरी। जो भी हो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टली बताना पड़ेगा भाई, गेम के अंदर बहुत सारे अपडेट वगैरह आता गया, और बहुत सारे इवेंट वगैरह आता गया, और गेम का जो लोगो वगैरह होता है ना वो भी चेंज होता गया, जो कि यहाँ पर न्यू लोगो वगैरह देख सकते हो, ये थर्ड एनिवर्सरी का लोगो है। उसके बाद गेम के अंदर और भी बहुत सारे इवेंट या फिर अपडेट वगैरह आता गया, गेम का लोगो बदलता गया, और उसके बाद यहाँ पर और एक न्यू लोगो आया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यानी जब फर्स्ट बुआ इवेंट आया था तब का लोगो ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। गाइस उसके बाद गेम के अंदर क्या आया, गाइस उसके बाद गेम के अंदर कलाहारी मैप आया था, यानी 2019 के दिसंबर मंथ में आया था भाई। यहाँ पर मैंने दो दो गलती कर दिया भाई, आलोक भी मतलब जो था ना सितंबर मंथ में आया था, और जो था ना वर्ल्ड सीरीज भी सितंबर मंथ में हुआ था, मैंने यहाँ पर दो गलती कर दिया, आप लोग मैनेज कर लेना। उसके बाद गाइस गेम के अंदर और भी बहुत कुछ चेंजेस वगैरह होता गया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन होता है ना कि भैया फाइनली एंड फाइनली फ्री फायर मैक्स आया था जुलाई यानी 2020 के जुलाई मंथ में फाइनली एंड फाइनली फ्री फायर मैक्स आया था, जो अभी आप लोग खेल रहे हो यानी मैं भी खेल रहा हूँ। फ्री फायर मैक्स ना आता ना तो शायद आप लोग अभी ये वीडियो देखने के लिए नहीं आते, यानी
फ्री फायर पूरी तरह से इंडिया से बैन होता, फ्री फायर मैक्स नहीं होता तो कहाँ पर खेलोगे भाई? थोड़ा वीपीएन लगा के कितना खेलोगे भाई? जो भी हो, फ्री फायर मैक्स ना होता ना तो आप लोग शायद ये वीडियो देखने के लिए नहीं आता और मैं भी वीडियो नहीं बनाने वाला था। और गाइस उसके बाद गेम के अंदर है थर्ड एनिवर्सरी, यानी थर्ड एनिवर्सरी तक गेम बहुत ही अच्छे से चल रहा था। आप लोगों को पता होगा कोविड के लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन भाई क्या बताओ, फोर्थ एनिवर्सरी के बाद से गेम हो गया भाई क्या बताओ पे टू विन, और भाई क्या बताओ इतना घटिया टाइप का अपडेट वगैरह आता है और गेम का हालात ही खराब कर दिया, और अभी गेम इतना भी अच्छा नहीं चल रही है तो आप लोगों को पता होगा। और गाइस फोर्थ एनिवर्सरी बाद से गेम के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, जो आप लोगों को नहीं पता था वो मैं आप लोगों को आज का वीडियो में बता दिया। तो गाइस सबके आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, गाइस ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगा भाई, अभी तक एक लाइक नहीं किया एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमेशा।